हेलो 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 यस गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग यस ज्वाइन कर लीजिए, लिंक भेज देते हैं बेटा। सर नोट्स कब तक मिलेंगे? नोट्स पीडीएफ तो अपलोडेड है, वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। जिनको हार्ड कॉपी चाहिए ऑर्डर डाल दो, आपको एक मेल आ जाएगा जैसे डिस्पैच होता है यहां से। यस गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो, क्या हाल चाल और बवाल आप लोगों का? आई होप सो एवरी वन इज गुड, डूइंग फैंटेस्टिक, जोरदार हो, जबरदस्त हो, शानदार हो, खतरनाक हो, मजे में हो। सर जो बच्चे दिसंबर में ओल्ड सिलेबस देंगे उनके लिए आप मैराथन लोगे क्या? हाउ कंपनी लो तो ओल्ड और न्यू सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो होगा ही मैराथन। तो कुछ टॉपिक ऊपर नीचे है, बाकी तो सेम है एज इट इज। चलिए कैसे खाओ खाओ, बस अभी ब्रेकफास्ट किया मैंने। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग ज्वाइन करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। 2 मिनट से स्टार्ट करते हैं। सर लेटेस्ट पीडीएफ अपलोडेड है वेबसाइट पर? यस लेटेस्ट न्यू सिलेबस के हिसाब से अपलोडेड है, चेक कर लीजिए आप। ऑफलाइन की फीस क्या है फर्स्ट मॉड्यूल की? 40,000। एक ऑफिस में कॉल कर लो बेटा, प्रॉपर इंक्वायरी मिल जाएगी आपको। वेबसाइट पर ओल्ड नोट्स है। सर मुझे सिर्फ 1 मॉड्यूल चाहिए, वो ऑप्शन कब से अवेलेबल होगा? नोट्स का मॉड्यूल, फर्स्ट मॉड्यूल चाहिए। ठीक है मैं चेक करवाता हूँ बेटा। चलिए प्रियंका बोली सर आपकी वजह से कंपनी लॉ में इस बार कॉन्फिडेंस आया है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट बड़ी, दैट्स ग्रेट। सर आज 2 लेक्चर है क्या? हाँ बेटा रोज ही अपने 2 ही होगा अपने, मतलब आज। ओके सीआर कल हम लोगों ने क्या देखा था? टैक्स ट्यूसडे से रेगुलर चालू करेंगे तुम्हारा, अभी टाइम टेबल आ जाएगा तुम्हारे ग्रुप में, ठीक है ना, उसका भी और टेस्ट सीरीज का भी, दोनों का। चंगू मंगू चालू करो, आधा घंटा हो गया आके भी करो। ओ बाबू कर स्टार्ट करना, क्या तू गोपियों के साथ कन्हैया बन के बैठा है? पढ़ाई चालू करना। कितने बच्चे एडमिशन लिए? आई थिंक सो 1000 तो हो ही गए होंगे मेरे हिसाब से। चलिए शुरू करें क्या? थोड़ा सा पहले बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हेलो एवरीबॉडी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एफएम का टेस्ट होगा ना? होगा, बिल्कुल होगा। ओके सी यार देखो कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोग बात कर रहे थे, जब भी हम बात करते हैं बेटा कंपनीज एक्ट 2013 की, तो सिर्फ हमें एक्ट पढ़ना है क्या? क्या एक्ट के साथ रूल्स भी पढ़ना है? रूल्स भी पढ़ना है। सर इंट्रोडक्शन आज लास्ट इंट्रोडक्शन है कंपनी लॉ का, परसों से ये चालू हो जाएगा आपका, रेगुलर लेक्चर चालू हो जाएंगे, ठीक है। सो एक्ट दूसरा क्या बेटा आपका? रूल्स। तीसरा क्या बेटा आपने ने देखा था? नोटिफिकेशन। और चौथा क्या देखा था हम लोगों ने? सर्कुलर। तो 4 चीजें हम लोगों ने देखी थी कल, करेक्ट है कि नहीं है बताइए? एक्ट क्या है? एक्ट क्या बताता है? वॉट इज लॉ, ये कौन बताएगा आपका? एक्ट बताएगा। रूल्स क्या बनाते हैं? हाउ टू फॉलो द एक्ट और हाउ टू फॉलो द लॉ, ये कौन बताता है आपका? रूल्स बनाता है। तीसरा क्या? 50,000, 50,000 फीस है क्या ऑनलाइन की? 20,000 रुपए फीस है सालो, 50,000 मल्टीप्लाई कर रहा है प्रत्येक, नॉन सेंस। 23,500 तो जीएसटी है ना ऊपर का था। तो दर्शन का भाई है क्या संगा? ऐसा क्या, क्या नाम तेरा? तनिष, धोखा, किसी को धोखा मत देना। लेकिन चलिए नोटिफिकेशन और चौथा क्या है आपका? सर्कुलर। तेरे को कुछ बात बताता हूं मैं,
बाद में, ठीक है ना, दर्शन के बारे में बोलना मत तू लेकिन किसी को। ओके, सो एक है एक्ट है, दूसरे है रूल्स है, तीसरे नोटिफिकेशन है, और चौथे क्या आपके सर्कुलर है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन से क्या आता है बेटा, अमेंडमेंट्स। नोटिफिकेशन से क्या आता है, अमेंडमेंट्स। और सर्कुलर से क्या दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन। क्या दिया जाता है बाबू, एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। ओके, देखो यारो कुछ बेसिक बेसिक वाली बातें करेंगे हम लोग, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग देखने वाले हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग देखने वाले हैं, बेसिक बेसिक सी बातें करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यार अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना है बीसी। क्या पढ़ना है, बीसी। बीसी कर रहे तुमने बोला बहुत लोगों का होगा, मतलब वो वाला नहीं, बीसी मतलब बी केयरफुल ऐसा। लेकिन कंपनी लॉ में बीसी का मतलब होता है बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी लॉ में बीसी का मतलब क्या होता है बताइए, बॉडी कॉर्पोरेट। सी, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होगा बात समझना, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होगा बात समझना। देखो यारो हाँ जी, सो बीसी का मतलब क्या हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है समझ लेना, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी का हम डिस्कस करेंगे जो हमें बार बार कंपनी लॉ में आने वाली है। जैसे शेयर होल्डर कौन होते हैं ये तो आपको पता ही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है ये तो पता ही है बेटा आपका, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर मीटिंग्स क्या होती है वो हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद में आपका रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, ऐसे कुछ बेसिक हम लोग देखने वाले हैं, करेक्ट है। यहां तक बताइए सुनो, तो सबसे पहले मुझे बताइए बॉडी कॉर्पोरेट। देखो बॉडी से कोई कौन सा चैप्टर, ये चैप्टर नहीं है बेटा, कोई भी चैप्टर नहीं चल रहा है, सिर्फ इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग कंपनी लॉ का, कोई टॉपिक नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब हम बात करते हैं बीसी, बीसी का फुल फॉर्म क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। देखो एक वर्ड है कंपनी और एक वर्ड है बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी वर्ड जो है ना वो उसका मीनिंग ऐसा छोटू सा है, और बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग कैसा है, ऐसा वाइडर है। मीनिंग कैसा है उसका, वाइडर है, करेक्ट। ध्यान देखो सुनो, आज बड़े गुस्से में लग रहे हो सब लोग, ठीक है सर, ब्रेकअप नहीं हुआ, हुआ है छोटी तरह ब्रेकअप हुआ है नहीं, ओके सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, कीप स्माइलिंग। ऐसा खुन्नास नहीं देना मेरे को, मैंने तुमसे किडनी मांगी नहीं है, ठीक है ना, मैंने तुमसे किडनी मांगी नहीं है, तो खुन्नास नहीं देना है बेटा। सो तो पहले तो यार देखो, पहले चलो बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ने के पहले ना, एक कंपनी और फॉरेन कंपनी, ये दोनों वर्ड का डिफरेंस समझिए। एक है आपका कंपनी और दूसरा कौन सा बेटा जी, आपका फॉरेन कंपनी। एक आपका कंपनी है, दूसरा कौन सा बेटा आपका, फॉरेन कंपनी। यार बात समझना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी, जब हम कंपनी की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, कंपनी की, कंपनी की डेफिनेशन ने इतना भारी दिया है ना, बोले कंपनी मीन्स अ कंपनी, बोलो मेरे साथ, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट, अदर एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। तो इतनी भारी डेफिनेशन दी है ना कंपनी, मतलब सुपर सुपर क्या डेफिनेशन दी है, बोले कंपनी मीन्स है कंपनी, कंपनी कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। बहुत भारी डेफिनेशन दी है, करेक्ट है ना। इतनी टेक्निकल बातें कभी कभी करते हैं ना तो मेरे को ऐसा रोने वाला मन करता है, बट ठीक है। अच्छा ऑनलाइन वाले जल्दी से लाइक कर दो लेक्चर को, फास्ट डू इट फास्ट बेटा, वरना तुम्हारी तुमको रनिंग बिटवीन द टॉयलेट्स हो सकते हैं भैया। हाँ जी, सो रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर वर्ड बेटा आपका प्रीवियस कंपनी लॉ, हाँ है ना। अच्छा दूसरी होती है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी मतलब क्या, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग बिजनेस प्लेस इन इंडिया, एंड हैविंग व्हाट बेटा आपका, बिजनेस प्लेस इन इंडिया। तो फॉरेन कंपनी मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से, बताइए फॉरेन कंपनी क्या है ये बताइए। सो फॉरेन कंपनी मीन्स वॉट, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, जिसकी जन्मभूमि इंडिया के बाहर है बट कर्मभूमि इंडिया है। जिसकी क्या है, जन्मभूमि कहां है, इंडिया के बाहर है बट कर्मभूमि कहां है, इंडिया में। यस और नो, हाँ है ना। सो फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड
आउटसाइड इंडिया बट हैविंग बिजनेस प्लेस इन इंडिया। विश्वजीत अभी हो जाएगा शो बेटा, वो कुछ टेक्निकल एरर था, हो जाएगा शो। सो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग बिजनेस प्लेस इन व्हाट बेटा आपका इंडिया। हाय है ना। जैसे अगर हम बात करें टाटा मोटर्स, सुना आप लोगों ने टाटा मोटर्स? यस सर, टाटा मोटर्स सुना है। क्या वो रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट है? यस। सो रजिस्टर अंडर क्या है? कंपनीज एक्ट है। तो क्या उसको हम कंपनी बोलेंगे क्या? यस, उसको हम कंपनी बोलेंगे। वेयर एज अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल इंडिया में रजिस्टर्ड है या आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है? आउटसाइड इंडिया। बट क्या बिजनेस प्लेस इन इंडिया है क्या? इंडिया में भी वो बिजनेस कर रही है। यस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। क्या बोलेंगे उसको बेटा? फॉरेन कंपनी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी? कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। बोलो सभी लोग, कंपनी का क्या मतलब होता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। हा या ना? जिसका रजिस्ट्रेशन कहां हुआ है? इंडिया में हुआ है, वो क्या है आपका? कंपनी। वेर जिसका रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है बट हैविंग बिजनेस प्लेस इन इंडिया, वो कौन सी कंपनी है? फॉरेन कंपनी। जैसे आपने ली कूपर का नाम सुना होगा आपने, हाँ है ना? ली कूपर रजिस्टर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया बट हैविंग बिजनेस प्लेस इन इंडिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनी। क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉरेन कंपनी। गॉट द पॉइंट बड़ी? चलिए अब आ जाइए। तो कंपनी और फॉरेन कंपनी का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब एक होता है जिसको हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोलते हैं बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट। करेक्ट है? मत सुनो। अच्छा मैं कुछ वर्ड बता रहा हूं, उसका स्कोप बताना आप, उसका स्कोप छोटा है या उसका स्कोप बड़ा है बताना मेरे को, ठीक है ना? एक आपका है क्या, क्या है छोटा? देख रहे हो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं भगवान, क्यों? हाँ हाथ नहीं है तो क्या बोल रही है जे? छोटा बड़ा गंदी लड़की। ओके सो मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, ध्यान से सुनना। किंगफिशर, बॉटल किंगफिशर की, और दूसरा वर्ड है बार। तो बड़ा वर्ड, बड़ा मीनिंग किसका है? बेवड़ो। हाँ क्यों? क्योंकि बार इंक्लूड्स किंगफिशर। यस और नो? है ना, बार इंक्लूड्स किंगफिशर। समझ में आ रहा है? सो नो। अच्छा दूसरा एक वर्ड है मेंबर और दूसरा है फैमिली। बड़ा कौन है? फैमिली, बिकॉज फैमिली इंक्लूड्स मेंबर। अच्छा एक वर्ड है लेट से, नाम भूल गया तो उसमें तनिष्क, और एक है पूरा क्लास। बड़ा कौन है? क्लास। क्लास का एक हिस्सा कौन है? तनिष्क। यस और नो? वैसे एक वर्ड है कंपनी और एक वर्ड है दोस्तों बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? तो बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ व्हाट बेटा आपका? कंपनी। इट ऑल्सो इंक्लूड फॉरेन कंपनी। इट ऑल्सो इंक्लूड व्हाट बेटा आपका? फॉरेन कंपनी। एंड ऑल्सो इंक्लूड स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन। क्या आएगा इसके अंदर? स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन। अच्छा ये स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है ये बताइए? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन? स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन क्या होगा? What do you mean by statutory corporation? तो statutory corporation को हम लोग बोलते हैं ऐसी की ऐसा corporation which is established under special act. Established under what? Special act. कौन सा act बोलो? Special act. Established under special act उसको हम बोलते हैं statutory corporation. For an example, आपने LIC का नाम सुना है? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और LIC कहां आया है? LIC एक्ट से आया है। तो क्या इसके लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है? तो जिसके लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है उसको हम बोलते हैं क्या? स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन। तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या क्या चीजें आ गई बताओ? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स व्हाट? कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स व्हाट बेटा? कंपनी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट? फॉरेन कंपनी। और तीसरा कौन सा इंक्लूड आ जाएगा यहां पे? यहां पे आ जाएगा स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन। हाँ है ना, करेक्ट है कि नहीं है? तो कंपनी वर्ड बड़ा है या बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग बड़ा है?
बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी। मतलब अगर यहां पे एक बड़ा राउंड है तो उसमें छोटे छोटे तीन गोल किसके हैं, कंपनी के, फॉरेन कंपनी के, और व्हाट बेटा आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। अच्छा एक बार स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फिर से बता दो, क्या होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है? विच एस्टैब्लिश अंडर व्हाट बेटा आपका स्पेशल एक्ट। सर ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन क्यों पढ़ना है हमको? तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि कंपनीज एक्ट सिर्फ कंपनी को नहीं लगता है, कंपनी को तो लगेगा ही लगेगा, फॉरेन कंपनी को भी लगता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को ही लगता है। मतलब कुल मिला के कंपनीज एक्ट किसको एप्लीकेबल होता है? बॉडी कॉर्पोरेट को एप्लीकेबल होता है। इसीलिए बहुत जगह वर्ड आएगा बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट आया तो क्या क्या आ गया उसके अंदर? कंपनी आ गई, फॉरेन कंपनी आ गई, और तीसरा क्या आ गया? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। बोलो क्या क्या बताइए जल्दी से, कंपनी, दूसरा फॉरेन कंपनी, और तीसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? दिमाग में गया क्या? चले बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या नहीं आता है इसमें से? कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगता है? अगर उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी लगता है और कंपनीज एक्ट भी लगाएगा तो डबल डबल प्रेशर में बेचारी मर जाएगी। कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपनीज एक्ट लगता और कंपनीज एक्ट नहीं लगता, इसीलिए उसको हमने बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं लिया है क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनीज एक्ट लगता है। अरे हाँ या ना, बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनीज एक्ट लगता है। और अगर कॉपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट में ले लिए ना तो कॉपरेटिव सोसाइटी को भी कंपनीज एक्ट लग जाएगा, तो कॉपरेटिव सोसाइटी कंफ्यूज हो जाएगी कि हमें कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट फॉलो करना है या कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। अच्छा दोनों फॉलो करेंगे तो बेचारे दब के मर जाएगी, इसलिए हमने कॉपरेटिव सोसाइटी को क्या कर दिया भैया? सेपरेट साइड में कर दिया भैया, साइड में कर दिया कि आपको नहीं लगता है ना, डोंट वरी आपको नहीं लगता है। और किसको नहीं लगता है? इट ऑल्सो एक्सक्लूड एनी कॉर्पोरेशन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पेसिफाइड बाय होम बेटा? सेंट्रल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को एक्सक्लूड कर दिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। तो बताइए बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आता है? तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को क्यों लगता है? क्योंकि जैसे एलआईसी, एलआईसी भी देखो आज पब्लिक से फंड रेज कर रही है, इसीलिए कंपनीज एक्ट लगाना बहुत जरूरी है। हाँ सो बताइए जल्दी से, पहले बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में क्या आएगा? एवरीबॉडी टेल मी, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है? कंपनी आता है, दूसरा फॉरेन कंपनी आती है, और तीसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आता है। बहुत बढ़िया। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब क्या कमली? जो कैसे आया है? स्पेशल एक्ट से आया। जो कैसे आया बेटा? स्पेशल एक्ट से आया, उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, एल आई सी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यस और नो बॉडी, करेक्ट है कि नहीं है? अच्छा तो बॉडी कॉर्पोरेट में कौन नहीं आएगा ये बताइए। हाँ कौन नहीं आता है? कॉपरेटिव सोसाइटी नहीं आती है, और क्या नहीं आती बेटा? कोई स्पेशल एक्ट से आया तो वो भी यहां पे कवर होता नहीं है। अभी भी जिन्होंने लाइक नहीं किया बेटा, देख लेना तुम्हारे साथ कुछ तो आज बहुत 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 गलत हो सकता है, हो सकता है कि तुम्हारा पेट खराब हो जाए बेटा, है ना? जल्दी से डू इट फास्ट। ओके अब देखो हम कंपनी की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। कंपनी के अंदर जो लोग पैसे लगाते हैं, कंपनी के अंदर जो लोग क्या लगाते हैं भैया? पैसे लगाते हैं, जो कंपनी के अंदर पैसे लगा रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दे आर दी व्हाट बेटा? कंपनी के मेंबर्स, या उनको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। या तो कौन है बेटा आपके? मेंबर। या तो कौन है बेटा आपके? शेयर होल्डर। सर मेंबर और शेयर होल्डर सेम है, अभी के लिए सेम है, उसमें कुछ थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है? वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे बेटा। तो बताओ पैसे किसने लगाए? मेंबर्स ने, और किसने लगाए बताइए, बताइए जल्दी से? शेयर होल्डर, करेक्ट है? पैसे किसने लगाए बताइए जल्दी से? मेंबर और शेयर होल्डर ने। किसमें पैसे लगाए? कंपनी में। अच्छा कंपनी को जो संभालता है, जो मैनेज करता है, उसको हम बोलते हैं क्या नॉर्मली? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोलते हैं? बोलो ना बेटा जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? मेंबर। अच्छा जब भी हम लगाते हैं तो लगाने के पीछे हमारा इंटेंशन होता है कि हमको कुछ मिलना चाहिए, अरे पैसा। जब भी हम क्या लगाते हैं? क्यों हंस रही बेटा तू? क्यों हंस के हो रही है? मैं समझ नहीं आ रहा, मैंने जोक मारा ही नहीं। हाँ सो जब भी हम क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं। जब भी हम क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं। आप होता सबके पास है, देता कोई नहीं, देता है क्या हर कोई ऐसा?
होता सबके पास है भाई, देता कोई नहीं है, सब छुपा के रखते हैं। तो अगर आपने दिया है पैसा तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको कुछ ना कुछ क्या मिलना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए। तो मेरे को बताओ, शेयर होल्डर ने अपना कीमती पैसा किसको दिया है, कंपनी को दिया है, तो बदले में उनको रिटर्न देना पड़ेगा। और रिटर्न इनको कौन से फॉर्म में मिलता है, डिविडेंड। कौन से फॉर्म में मिलता है बोलो बेटा, डिविडेंड। तो कंपनी में जो पैसा लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो मोबाइल में अभी तक अवेलेबल नहीं है, क्या बोलते हैं बोलो बेटा, कंपनी बोल उसको भाई बोल दे बेटा, एक बार उसको भाई बोल दे, बड़ा तकलीफ दे रहा तेरे को। हाँ वही तो, उसको कॉल आया तो कट करके भाई बोल दे उसको, बोलना अभी लेक्चर में हूं मैं, अभी थोड़ा टेंशन बच्चे, तने फुल अटेंशन बोलना। हाँ हाँ, कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें बाबू, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में पैसा कौन लगाता है, मेंबर्स लगाते हैं। तो मेंबर्स जब पैसे लगाते हैं तो बदले में उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, करेक्ट है, आते सुन लो। अच्छा, मेंबर्स जब हम बात करें, मेंबर्स दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के बेटा, दो। एक होते हैं जो हमारे सुख दुख के साथी हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। एक जो सिर्फ सुख सुख के साथी हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एक जो हमारे सुख और दुख दोनों में साथ देते हैं, वो कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। और एक जो ऐसा है जो क्या करते हैं, सिर्फ सुख में साथ देगा, आग लगे बस्ती में, वो कौन सा है, प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल होल्डर आर द लेडीज फर्स्ट। कौन से है बेटा, लेडीज फर्स्ट। मतलब लेडीज फर्स्ट मतलब क्या, इनको पहले चाहिए। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर पे डिविडेंड फिक्स होता है क्या, इक्विटी के ऊपर डिविडेंड फिक्स होता नहीं है, जबकि प्रेफरेंशियल होल्डर पे क्या होता है बेटा बताइए, फिक्स डिविडेंड। फिक्स डिविडेंड, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना ही पड़ेगा, वेयर एज इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। तो जब भी डिविडेंड बटेगा, पहले किस में बटेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जब भी कंपनी डिविडेंड बांटेगी, पहला कौन खड़ा हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, देन उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर को बांटेंगे। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट, यस और नो। दूसरी चीज, जब पैसा रिटर्न करने की बारी होगी, जिसको हम बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, नहीं है बेटा आज एफएमओ टैक्स, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें बताइए, जब भी हम बात करते हैं रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब जो आपने पैसा दिया वो रिटर्न करने की बारी आएगी, तो पहले किसको रिटर्न करना है, इक्विटी को या प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अरे हाँ या ना, करेक्ट है कि नहीं है। सो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, बोलिए जल्दी से, इक्विटी या प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो जब हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो क्या आएगा बताइए, क्या डिफरेंस है बताइए, बताइए जल्दी से बताइए। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, फिक्स डिविडेंड या डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट, हाँ या ना, वेयर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड। अच्छा, जब कैपिटल देने की बारी आएगी तो पहले किसको देंगे, करेक्ट है कि नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, गॉट द पॉइंट बेटा जी, ये चैप्टर नहीं है बेटा, ठीक है, यहां तक डन है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, कंपनी के जो पावर्स है, किसके पावर्स, कंपनी के कोई भी जो काम करने के पावर्स है, इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, डिवाइडेड इंटू व्हाट बेटा, टू पार्ट। कुछ जो पार्ट है, कुछ जो पावर है वो किसको दिए गए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और कुछ पावर किसको दिए हुए हैं, शेयर होल्डर या कंपनी के कौन बेटा, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो बताइए, पावर 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 दो पार्ट में डिवाइड है, पहला कौन सा बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा कौन सा बेटा, शेयर होल्डर और मेंबर। सी यार, कंपनी को कुछ काम करना है, कंपनी को लोन लेना है, कंपनी को लोन देना है, कंपनी को कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी को कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, है ना। तो ये सब क्या हो गए, कंपनी के पावर्स हो गए। तो पावर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पहला कौन सा बेटा आपका, पावर किसको दिया हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहला पावर किसको दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा पावर किसको दिया है, शेयर होल्डर या किसके, कंपनी के मेंबर को। देखो, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बात समझना बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब भी अपने पावर एक्सरसाइज करेगा, उसको क्या लेनी पड़ेगी, मीटिंग लेनी पड़ेगी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग।
है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पावर एक्सरसाइज करेंगे, मतलब क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मन में आया ये करना है तो उन्होंने फोन करके बोल दिया ये करना है, ऐसा होगा कि मीटिंग लेना पड़ेगा, मीटिंग लेना पड़ेगा। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है उस मीटिंग को क्या बोलते हैं बताइए ना, बोर्ड मीटिंग। और जब मेंबर की जब हम मीटिंग लेते हैं, मेंबर की मीटिंग इज नोन एज जनरल मीटिंग। तो बताओ मेरी जान बोलते हुए चलिए जल्दी से, सभी लोगों ने बोलना है, जो नहीं बोलेगा उसकी शादी नहीं होगी, और शादी होगी तो सेम जेंडर से होगी। बताइए सर नोट्स अपलोड करवा दूंगा, अरे करवा दूंगा करवा दूंगा करवा दूंगा करवा दूंगा, यस राखी डेफिनेटली वाई नोट करना ही पड़ता है, ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा कंपनी के पावर्स दो पार्ट में डिवाइड किए, पहला कौन, ऐसा रूखा रिस्पॉन्स गया ना ये खिड़की खोल के कूद जाऊंगा, पहला आधे लोग जानबूझ के अब कम दे रहे हैं, हाँ सर कूद जाओ, अच्छा है अच्छा है बोले, है ना थोड़ा जोर से कूदना सर, हाँ बताइए बताइए जल्दी से। पावर दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा शेयर होल्डर, मेंबर्स और शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब भी पावर एक्सरसाइज करेंगे मीटिंग लेगी, कौन सी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। कौन सा मीटिंग लेंगे, बोर्ड मीटिंग। शेयर होल्डर जब पावर एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी मीटिंग लेंगे, कौन सी मीटिंग, जनरल मीटिंग। अच्छा मेरे को एक बात बताता हूं बेटा, गरिमा वो अपन करेंगे तो इन जनरल मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। अच्छा बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या मैं बोलू तभी काम होगा, जैसे 10 डायरेक्टर है, 6 डायरेक्टर ने बोला यस और 4 डायरेक्टर ने बोला नो, तो क्या वो काम हो जाएगा कि नहीं होएगा, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मेजॉरिटी। क्यों हो जाएगा, मेजॉरिटी। आजकल जीवन में सारे काम कैसे होते हैं भैया, मेजॉरिटी में। सारे काम कैसे होते हैं, मेजॉरिटी में। सो जब देखो बोर्ड मीटिंग में कोई भी काम करेंगे उसका डिस्कशन होगा, और डिस्कशन करने के बाद क्या होगी, वोटिंग। और अगर मेजॉरिटी लोगों ने फेवर में वोट कर दिया है, मेजॉरिटी लोगों ने कहां वोट कर दिया है, फेवर में, फ्लेवर नहीं है फेवर है, क्या बोलता है चमन। सो मेजॉरिटी लोगों ने कैसा वोट कर दिया, फेवर में वोट कर दिया, तो मैं बोलूंगा कि वो रिजोल्यूशन पास हो गया, और उस रिजोल्यूशन को हम बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं बोलो ना बेटा, बोर्ड रिजोल्यूशन। तो मेरी जान पान की दुकान फिर से एक बार आई है, आप क्या गोवा घूमने आए हो, शर्ट तो ऐसी लग रही है, हाँ बेटा गोवा जा रहा हूं मैं, ये तुम्हारा लेक्चर लेके गोवा निकल रहा हूं बेटा, सैटरडे संडे क्या है 2-4 बेवड़ा मार के वहीं पे बीच पे पड़ा रहूंगा बेटा, है ना, फिर वहीं से लोग लातवीत मार के मेरे को उठा के लेके आएंगे यहां पे बेटा, नॉनसेंस। हाँ कंपनी के पावर दो पार्ट में डिवाइड किए, फर्स्ट वन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहला कौन सा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा कौन सा, शेयर होल्डर और मेंबर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मीटिंग लेंगे उस मीटिंग को क्या कहेंगे, बोर्ड मीटिंग। मेंबर जो मीटिंग लेंगे उसको क्या बोलेंगे, जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या प्रॉपर डिस्कशन होगा, क्या वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद जो रिजोल्यूशन पास हुआ, जो अप्रूवल हुआ, उसको क्या बोलते हैं बताइए ना, बोर्ड रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा बताओ ना, बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन मतलब क्या, मेजॉरिटी लोगों ने वोट कर दिया डायरेक्टर ने। अच्छा कंपनी में 11 डायरेक्टर है, 6 डायरेक्टर ने बोला कबूल है मतलब यस बोला, 5 ने बोला ना नो 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 रिजोल्यूशन नहीं, तो पास या फेल, पास। क्या मेजॉरिटी ने वोट कर दिया, तो बोर्ड मीटिंग में हमेशा जो काम होता है वो कैसे होगा बेटा, मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी ने अगर हाँ बोल दिया, फेवर में वोट कर दिया, रिजोल्यूशन पास। अच्छा रिजोल्यूशन वर्ड को समझो, एक होता है मोशन और एक होता है रिजोल्यूशन, एक क्या होता है मोशन और दूसरा होता है रिजोल्यूशन। जैसे ये तनिष्क, तनिष्क इधर आ बेटा यहां जा, तेरी हाइट मुझे लगा दर्शन से ज्यादा है, कैसे क्या पता नहीं, आ जा ओके। आया मजा, ऊपर का भी है देख रहे हो, फुल मसाज ले रहा है मेरे से ऊपर का भी, अच्छा वो नीचे का नहीं बोला मतलब अरे देखो बड़ा हंसी आ रही है बेटे तुमको है ओके। ये तनिष जो है ना, ये तनिष पहला दिन था इसका कल, इसको सुंदर सी कन्याएं तो बहुत दिखी उसको, उसमें से एक कन्या इसको पसंद आ गई और उस कन्या के सामने वो बैठ गया घुटनों पे, दोनों पे नहीं बेटा एक घुटने पे, दोनों पे तो भीख थोड़ी मांगनी है, एक घुटने में बैठ गया और उसने क्या कर दिया, हाथ में रोज ले लिया और रोज लेके उसको प्रपोज कर दिया कि मैं तेरे बच्चे की मां बनना, सॉरी बाप बनना चाहता हूं, मां थोड़ी बनेगा, क्या बनना चाहता हूं, बाप बनना चाहता हूं, मॉडर्न है ना ये प्रपोजल, कैसा एकदम मॉडर्न प्रपोजल है ना, बोले अल्टीमेट जो रिजल्ट है उसकी बात करते हैं, है ना ठीक है छोटे
ऐसी बातें नहीं सुनते, कान बंद कर लिया कर तू, 16 साल की है तू और ऐसी बातें सुनती है। ऐसे जब भी कोई बात होए ना, इसको तो एडमिशन देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा कंटेंट 18 प्लस होता है, मतलब है ना। तो ओके ठीक है। सो इसने प्रपोजल किया, इसने बोला कि आई लव यू टू, सॉरी आई लव यू बोलेगी तो टू तो नहीं बोलना, आई लव यू बोल दिया उसने। ये है प्रपोजल। ये क्या है? प्रपोजल। क्या है ये? प्रपोजल। इसको बोलते हैं मोशन। इसको क्या बोलते हैं? मोशन। करेक्ट है। और प्रपोजल अगर या तो होगा एक्सेप्ट या तो होगा रिजेक्ट। उसने बोल दिया हाँ हाँ मुझे भी तू बहुत अच्छा लगता है, मैं सोच ही रही थी कि तेरे को बाप बना दूं अपने बेटों का, अपने बच्चों का, हाँ है ना। उसने बोला, उसने बोला हाँ हाँ मजा ही आएगा, बोले मतलब तुम मुझे एक बार बताओ क्या यहां पे रिजोल्यूशन पास हो गया? करेक्ट है। सो मैं बोलूं मोशन मतलब प्रपोजल, मोशन मतलब प्रपोजल। इफ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी वी कैन से रिजोल्यूशन इज कैरिड। रिजोल्यूशन इज व्हाट बेटा? कैरिड मतलब रिजोल्यूशन पास हो गया। और उसने बोल दिया ना ना नहीं बोल दिया उसने, बोले नहीं ये सब काम मेरे से नहीं जमता है, तो मुझे बताओ क्या रिजोल्यूशन लॉस्ट हो गया? यस। सो मोशन मतलब प्रपोजल, मोशन मतलब क्या? प्रपोजल। एंड द प्रपोजल इफ एक्सेप्टेड बाय द मेजॉरिटी इट बिकम्स रिजोल्यूशन कैरिड, और अगर मोशन इज रिजेक्टेड बाय द मेजॉरिटी इट विल शोज द रिजोल्यूशन लॉस्ट। क्या बोलेंगे उसको? रिजोल्यूशन लॉस्ट। गॉट द पॉइंट? हाँ है ना। तो मीटिंग में हमेशा क्या रखा जाता है? मोशन। फिर मोशन मतलब क्या? प्रपोजल्स है ना, उसके ऊपर क्या होगी? वोटिंग। और वोटिंग करने के बाद या तो रिजोल्यूशन कैरिड होगा या रिजोल्यूशन लॉस्ट होगा, या तो कैरिड होगा या तो क्या होगा बेटे? लॉस्ट होगा। गॉट द पॉइंट बाबू? अच्छा सो तो यहां पे बोर्ड मीटिंग में अगर कोई मोशन रखा हुआ है उसमें मेजोरिटी ने वोट कर दिया तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया। कौन सा रिजोल्यूशन? बोर्ड रिजोल्यूशन। तो बोर्ड रिजोल्यूशन के लिए कितने लोगों का अप्रूवल चाहिए? मेजोरिटी। कितने लोगों का अप्रोच चाहिए? मेजॉरिटी का। तो बोर्ड मीटिंग में जो काम होगा वो कहां से होगा? मेजॉरिटी से। गॉट द पॉइंट? बैठ जाए। 50-50 आ गया, ड्रॉ हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर 50-50 हो जाता है मतलब 50% हाँ बोल दिया 50% ना बोल दिया, तो एक एक्स्ट्रा वोट का पावर होता है चेयरमैन के पास। किसके पास? चेयरमैन के पास। पढ़ेंगे आगे हम, अभी अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे। तो जनरल मीटिंग में भी दो टाइप के रिजोल्यूशन पास होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। कौन सा रिजोल्यूशन? कौन सा बेटा? कौन सा बाबू? और एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। कौन सा? स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन। एक तो क्या है बताइए? बोलो 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 बोलो। फर्स्ट वन क्या है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। और दूसरा कौन सा है? स्पेशल रिजोल्यूशन। सी व्हाट इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड व्हाट इज स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब होता है सिंपल मेजॉरिटी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है बोलो ना? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मतलब क्या? तो जितने लोग मीटिंग में आए हैं और जितने लोगों ने वोट किया है, तो सिंपल मेजॉरिटी को हम बोल सकते हैं वोट कास्टेड इन फेवर। क्या बोल सकते हैं बोलो? वोट कास्टेड इन फेवर इज मोर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन against it। Yes or no? What is simple majority? Tell me दोस्तों। When we are talking about ना, जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं भैया? रिजोल्यूशन की है ना, अप्रूवल की। तो जनरल मीटिंग जो होती है, जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर की। जनरल मीटिंग किसकी होती है बेटा? शेयर होल्डर की। हाँ है ना, उप सामने मत आना, पूरा खुल सकता है भैया। आशीष सर के सामने तो गलती से मत जाना है ना। ओके, मीटिंग किसकी होती है बताइए? शेयर होल्डर की। जनरल मीटिंग किसकी होती है बेटा? शेयर होल्डर की। तो जनरल मीटिंग के अंदर दो टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं। दो टाइप के रिजोल्यूशन कौन से? एक होता है आपका कौन सा? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। और दूसरा कौन सा होता है? स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बताइए क्या है मेरे को बताओ। व्हाट इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन? वोट कास्टेड इन फेवर इज मोर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट इट। तो अगर सपोज मीटिंग में 100 लोगों ने वोट किया, कितने लोगों ने वोट किया? उसमें से 55 लोगों ने फेवर में वोट किया और 45 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया। टेल मी रिजोल्यूशन पास्ट और लॉस्ट? क्या रिजोल्यूशन पास हो गया? यस, पप्पू पास हो गया। हाँ या ना? करेक्ट है कि नहीं है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मीटिंग में 100 लोग आए, कितने लोग आए?
100 लोग मीटिंग में आए, उसमें से 20 लोग तुषार कपूर निकले। तुषार कपूर ओ माय ओ, मतलब उन्होंने वोट नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, चुपचाप बैठे रहे, खाना खा के निकल गए, मतलब वोट ही नहीं किया उन्होंने। अच्छा, तो वोट कितने लोगों ने किया? 80 में से 41 लोगों ने किया फेवर में वोट और 39 लोगों ने किया अगेंस्ट में वोट। बताइए रिजोल्यूशन पास्ड और लॉस्ट? पास हो गया, पास हो गया। अरे 100 लोग थे ना, 100 की मेजोरिटी तो 51 होती है। वोट नहीं किया, हम हमेशा उन्हीं लोगों को काउंट करते हैं जिन्होंने क्या किया है, वोट करा है। तो वोट कितने लोगों ने किया? 80। अरे मीटिंग में तो 1000 लोग आए थे लेकिन 10 लोगों ने ही वोट किया, उसमें से 7 लोगों ने फेवर में वोट किया। हो गया रिजोल्यूशन पास? यस, क्योंकि जो मीटिंग में आए हैं प्लस जिन्होंने वोट करा है वही हम कंसीडर करते हैं। यस और नो? जिन्होंने वोट ही नहीं किया उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? चलिए बेटा, तो ये हो गया ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब क्या? बोलो, वोट कास्टेड इन फेवर इज मोर देन व्हाट? वोट कास्टेड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन, हाँ या ना? यस और नो? समझ में आया क्या? ओके बड़ी, ये हो गया ऑर्डिनरी। दूसरा होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। कौन सा? स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है बेटा, बात समझना। स्पेशल रिजोल्यूशन मीन्स व्हाट? तो वोट कास्टेड इन फेवर, क्या बोला गया है? वोट कास्टेड इन फेवर इज 3 times मोर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट इट। 3 times मोर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट इट, मतलब 3 times मतलब कितना? 75%, बराबर ना? है ना? तो स्पेशल रिजोल्यूशन कब बोलते हैं? जब कितने लोगों ने अप्रूवल दिया है? 75% लोगों ने अप्रूवल दिया है। करेंट है कि नहीं है? कितने लोगों ने अप्रूवल दिया है बेटा? 75% लोगों ने जब अप्रूवल दे दिया है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेशल रिजोल्यूशन। जैसे मीटिंग में 100 लोग आए थे, कितने लोग आए? 100 लोग, उसमें से 10 लोग तो कुछ वोट किए ही नहीं करे कुछ भी वोट, है ना? 10 लोग वोट नहीं गए, 60 लोगों ने फेवर में वोट किया और 30 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया। टेल मी, रिजोल्यूशन पास और लॉस्ट? पास और लॉस्ट? फिर से बताऊं, बहुत बढ़िया। 100 लोग थे, कितने लोग थे? 100। 10 लोगों ने तो वोट किया ही नहीं, तो बच्चे कितने? 90 में कितने लोगों ने फेवर में वोट किया? 60। कितने ने अगेंस्ट में किया? 30। पास हो गया। लॉस? पास? कैसे क्या? 30। मैं स्पेशल रिजोल्यूशन की बात कर रहा हूं, ढोकली। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब कितने परसेंट? 75%। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब कितना? 75%। तो 90 का 75% कर कितना होता है? 67.5। कितना होता है बेटा? 67.5। 90 का 75% कितना होता है? 67। लेकिन यहां पे कितने लोगों ने वोट किया? 60। तो पास और फेल? क्यों कुछ भी क्यों है? ऐसा इधर ही होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? समटाइम्स हमें कौन सा रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है? स्पेशल रिजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, 100 लोग मीटिंग में आए, 80 लोगों ने रिजोल्यूशन के फेवर में वोट कर दिया और 20 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया। बताइए एसआर पास हुआ कि नहीं? पास कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल है, 100 का 75% करो कितना होता है? 75। क्या 75 से ज्यादा ही है? तो रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन क्या हो गया आपका? पास। गॉट द पॉइंट? सो दो टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं, एक कौन सा? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, और दूसरा कौन सा? स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी मतलब क्या? ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी को क्या 51% बोल दूं?
ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। बताओ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को क्या 51% बोल दूं? अगर 100 लोग हैं तो 51 चाहिए, तो 51% बोल दूं? हाँ, कोई है नहीं वाला जो मेरी इस बात से सहमत नहीं है कि नहीं सर 51% नहीं होएगा? या ऐसा लिख दूं मैं 51% और मोर? हाँ हाँ नो, पूछो क्यों? मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50%, और मोर देन 50% मतलब अगर 50.01% भी है ना तो रिजोल्यूशन क्या हो गया? पास हो गया। 51 नहीं है, इट्स ऑलवेज क्या? मोर देन 50, और मोर देन 50 मतलब 50.01 भी हो गया ना तो रिजोल्यूशन पास हो गया। 51% कभी नहीं लिखना एग्जाम में। क्यों नहीं लिखना 51%? मेरे को एक बात बताओ, सुनो, हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। अगर 1000 लोग है तो इसका 51% तो 510 लोग होते हैं, लेकिन अगर 501 लोगों ने भी फेवर में वोट दिया तो भी क्या हमारे पास तो मेजोरिटी आ गई ना? तो 51% बोलोगे या मोर देन 50 बोलोगे? मोर देन 50। अरे 50 बोलोगे या मोर देन 50, सॉरी 51 बोलोगे या मोर देन 50 बोलोगे? मोर देन 50। सोचो कंपनी में 10,000 लोग हैं, कितने लोग हैं भाई? 10,000 लोग हैं, तो 10,000 का 51% कितना होता है मालूम? 5,100। ये 51% होता है, लेकिन अगर 5,001 लोगों ने भी फेवर में वोट कर दिया ना तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया। सो वी कांट से 51%, हम क्या बोलेंगे? मोर देन 50। समझ में आ रहे थे? नो, 51% नहीं बोलने का बेटा। क्या बोलोगे? मोर देन 50। और स्पेशल रिजोल्यूशन को क्या बोलोगे? स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% और मोर। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब क्या बेटा? 75% और। गॉट द पॉइंट? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? दिमाग में गया क्या? पक्का? आयुसोर? अरे समझ में आ गया क्या? चले ऑनलाइन वाले, अभी भी तुम लोगों ने लाइक नहीं किया, एहसान फरामोश हो तुम, कुछ लोग। डन? यस और नो? चले बहुत बढ़िया। सो मीटिंग हमने डिवाइड कर दी कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक कौन सा? बोर्ड मीटिंग। दूसरा कौन सा? जनरल मीटिंग। पक्का? ओल्ड सिलेबस का सेकेंड ग्रुप से स्टार्ट होगा। ओल्ड सिलेबस का सेकेंड ग्रुप वी गोना स्टार्टिंग फ्रॉम कब से? तो वो हम स्टार्ट करेंगे 15th of June से। कब से स्टार्ट करेंगे? 15th of June। सर चैप्टर कौन सा? चैप्टर कोई नहीं चल रहा, बेसिक चल रही है। बेबी को बेस पसंद है, यस और नो? तो पहले बेस को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? चले बहुत बढ़िया। सर ये आप आतंकवादी क्यों बोलते हो? कहां आतंकवादी बोलता हूं, ठीक है। चलिए अभी विल स्टार्ट। अभी रेगुलर बैच का अपडेट आपके ग्रुप में आ जाएगा जितने भी लोगों ने। अच्छा अभी कितने लोग बाकी है जिनके एडमिशन पेंडिंग है? कितने लोग बाकी है? डू सिक्योर योर एडमिशन, ठीक है ना? डू सिक्योर एडमिशन, जल्दी से अपना एडमिशन को सिक्योर कर लेना एवरीबॉडी। सभी लोगों ने अपने एडमिशन को सिक्योर कर लेना है। ऑनलाइन वालों, जिन लोगों के एडमिशन बाकी है, क्योंकि अब हम लोग यहां मिलेंगे एप्लीकेशन पे। कहां मिलेंगे भैया? एप्लीकेशन, ठीक है। सर दो बार लाइक कर दिया, साले येड़ा बनाता है क्या मेरे को? तो बुक का पेंडिंग है, ठीक है। जिनका पेंडिंग है आज कर लो, आज और कल में, दो दिन में निपटा दो एडमिशन आपके। हाँ मैं बोलता हूं यहां तक की बातें, आतंकवादी नहीं बोलता हूं मैं। सर आप आईपीएल में कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो? ओनली धोनी, CSK। सर कल के सीलों का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ? हो जाएगा, ठीक है। सर हमारी बुक्स कब तक आएगी? आपने ऑर्डर दे दिया है बुक्स का, तो आपको एक मेल आएगा, जैसे डिस्पैच होता है ना, आपको एक मेल आ जाएगा और ट्रैकिंग आईडी आ जाएगी, तो वहां से आप ट्रैक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। तो जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, डू सिक्योर एडमिशन दोस्तों। मिलते हैं, बाकी की बातें कल करेंगे, कल नहीं सॉरी एप्लीकेशन पे करेंगे। तो आपके जो ग्रुप बने हुए हैं उसके ऊपर शेड्यूल आ जाएगा आपका, ठीक है ना?